हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, है ना। एमिनो एसिड अपन ने कंप्लीट कर लिया। एमिनो एसिड में अपन ने एमिनो एसिड प्लस पेप्टाइड प्लस आपके प्रोटीन और आपके न्यूक्लिक एसिड था वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें अब कोई अब कुछ नहीं रहा, है ना। अब आज स्टार्ट करेंगे अपन ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड, या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहा जाता है, ऑर्गेनोसल्फर भी कहा जाता है। ऑर्गेनोसल्फर से पहले अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, आपके ऑर्गेनोसल्फर यानी कि उसी से बना हुआ है। तो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या है पहले वो देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बड़ी बात से पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं ना, तो उसी तरीके से अपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जांपल बता, जैसे सॉल्ट, जैसे सॉल्ट यानी कि PtCl2C2H4, है ना, माइनस ये हो गया, जिससे सॉल्ट हो गया। और एग्जाम्पल जैसे कि RMGX यानी कि गिरन्या रिएजेंट, अपन ने सब ने देखा है जब अपन पढ़ते आ रहे हैं टेंथ से, तब से अपने गिरन्या रिएजेंट आता रहा है, वो क्या है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनो का मतलब होता है कोई कार्बन से रिलेटेड हो, है ना। ऑर्गेनिक का मतलब होता है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कोई कार्बन से रिलेटेड है ना, कोई भी स्पीसीज हो गई वो आपकी किससे रिलेटेड होगी, कार्बन से रिलेटेड होगी, कार्बन का नाम आएगा। मतलब कि आपके और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको NaCl दे दे, बेंजीन दे दे, इनमें से पूछा जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो आप कौन सा बताते हैं, अपन बेंजीन बताते हैं, क्योंकि कार्बन प्लस हाइड्रोजन वहाँ प्रेजेंट होते हैं, कार्बन एक समूह के अंदर पाया जाता है, इसीलिए अपन कहते हैं कि वो आपका ऑर्गेनिक यौगिक होता है। ओके, अब अपने पास है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या है। ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन से रिलेटेड, मेटल से होता है, कोई भी मेटल होगी आपकी, मेटल जो कैसी हो सकती है आपके, तीन तरीके की मेटल हो सकती है, या तो आपके किससे, पी ब्लॉक से हो सकती है, एक डी ब्लॉक यानी कि ट्रांजिशन मेटल हो सकती है, लैंथेनाइड या एक्टिनाइड हो सकते हैं। तीन प्रकार के आपके मेटल प्रेजेंट होते हैं, या तो होगी पी ब्लॉक, पी ब्लॉक ना बोल के अपन मेन ब्लॉक को एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार एस के भी आते हैं, जैसे RMGX है, मैग्नीशियम किससे रिलेटेड, एस ब्लॉक से, तो अपन मेन ब्लॉक एलिमेंट बोल देते हैं। मेन ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है आपके एस और पी ऑर्बिटल्स अगर मिल जाए तो इन्हें मेन ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तो आगे फर्स्ट मेन ब्लॉक एलिमेंट हो सकते हैं इसके मेटल्स के रूप में, ट्रांजिशन मेटल हो सकती है, ट्रांजिशन मेटल्स हो सकते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, और आपके लैंथेनॉइड्स हो सकते हैं, लैंथेनॉइड्स या एक्टिनॉइड हो सकते हैं। तीन प्रकार के मेटल्स हो सकते हैं, या तो लेंथेनाइड लो, या आप क्या ले, ट्रांजिशन मेटल्स ले सकते हैं, या मेन ब्लॉक एलिमेंट्स ले सकते हैं। मेन ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके आते हैं एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन मेटल के अंदर आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब अपन इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल है, पहले अपन देख लेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रियल में कहते किसे। अपन ये तो देख लिया ऑर्गेनिक मतलब कोई कार्बन होगा और मेटल होगा, उसे अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर परिभाषा पूछी जाती है तो इसका मतलब होता है कि अगर जब कोई कार्बन किसी मेटल से अटैच होता है तो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं, यही परिभाषा है इसकी। ऑर्गेनोमेटेलिक कोई कार्बन से अगर मेटल बॉन्ड बना रही है, जुड़ी हुई है डायरेक्ट, उसे अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब आपके पास एक एग्जांपल आता है NaCl। Na क्या है, मेटल है कोई, CN क्या है, कार्बन, और नाइट्रोजन साइनाइड हो गया, तो ये भी तो बना हुआ है, अगर इसे अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहते। जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिसर्च हो रही थी, जब खोज हो रही थी पहली बार कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसे कहा जाए, तब एक नई परिभाषा आई थी अपने पास कि जिनके अंदर कार्बन और मेटल का बॉन्ड होगा वो आपके क्या होंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक होंगे। बट जब ये NaCN की बात आती है तो NaCN क्यों नहीं है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्यों,
क्योंकि मेटल और कार्बन के पास तो बॉन्ड है, तो इससे एक नई परिभाषा निकल के आती है कि जब आपके पास अगर किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन करवा रहे हो, रिएक्शन करवाने के बाद में जो रिएक्टेंट ले रहे हो, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके अंदर आपके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं परिभाषा, कि अगर आपके कार्बन से मेटल जुड़ा हुआ उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये परिभाषा सर्वत्र है यानी कि आपकी यूनिवर्सल है, आप जब भी यूज़ करना हो तो यही डेफिनेशन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको और डीपली बताना है किसी को कि अपन किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो वो होती है अगर आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर जाने की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की, ओके, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट वरी कर रही है, यानी कि डिफरेंट सारा है इसके अंदर, चाहे प्लस वन का है प्लस टू का वो मैटर नहीं करता, बस डिफरेंट आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट का। अगर जीरो है तो प्लस टू या प्लस वन होनी चाहिए, उसे बोलते हैं अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। साथ में बॉन्ड तो होना ही चाहिए कार्बन और मेटल का, बट इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी वरी करनी चाहिए। अब अपने पास अगर ऐसे हैं वो किसी के साथ रिएक्शन करवाने की क्या होगी, प्लस वन में रहेगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ये चेंज नहीं कर पाता सोडियम की, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है जितनी और मेटल्स की होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, और प्लस वन में स्टेबल रह पाता है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए इसके प्लस वन। अगर इसके साथ किसी की भी रिएक्शन करवाओगे और प्लस वन ही शो करेगा, प्लस टू शो नहीं करेगा, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ओके, इसकी रियल डेफिनेशन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट वरी कर रही है तो मतलब आपका क्या हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ओके, अब अपन पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड के अंदर तीन प्रकार के मेटल हो सकते हैं, आपके मेन वालों के एलिमेंट हो सकते हैं, या ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट हो सकते हैं, या आपके लेंथेनाइड या एक्टिनाइड हो सकते हैं। अगर इनका एग्जांपल देखी जाए तो सबसे फेमस एग्जांपल हो गया ये अपना आरएमडीएक्स, आरएमडीएक्स इसमें जीसस सॉल्ट लगे, जीसल भी बोलते हैं, जीसस भी बोलते हैं, जीसल सॉल्ट लवण। इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, पीटी Cl3C2H4 ही हो गया आपका माइनस चार्ज। ओके, इस तरीके से होगा। अगर लेंथेनाइड में तो यूरोसीन का अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सैंडविच कंपाउंड पढ़ते हैं अपन कि सैंडविच कंपाउंड कौन से हो गए, अगर आगे दो सीपी होंगे, एक फेरस एटम होगा या कोई भी मेटल हो सकता है, उसे अपन बोलते हैं कि आपका सैंडविच कंपाउंड, यानी कि एक अगर आपके पास कोई रिंग है तो दूसरी रिंग है बीच में मेटल प्रेजेंट है। सैंडविच क्या होता है कि दोनों तरफ ब्रेड रहते हैं, ब्रेड के नीचे जो मसाला रहेगा उसे अपन सैंडविच बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है, सैंडविच लाइक कंपाउंड पाए जाते हैं। मतलब कि आपके किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपन ने सबने ये स्ट्रक्चर बहुत पढ़ी है, तो यहां ये अगर मैं इसे सर्कल से दिखा दे इस पाई बॉन्ड को, तो यहाँ पर फेरस आइटम होगा, तो ये कंपाउंड अपन ने बहुत देखा है, इसको बोलते हैं अपन सैंडविच कंपाउंड। इसी तरीके से अगर लेंथेनाइड्स में देखा जाए तो लेंथेनाइड्स में अगर एट मेंबर रिंग के साथ यूरेनियम जोड़ दें तो यूरोसेन बोलते हैं, यूरोसेन है ना, तो ये आपका सैंडविच लाइक कंपाउंड हो गया, साथ में ये हो गया आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी होता है। किस तरीके से, तो ये हो गया यूरेनियम, यूरोसेन। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेंथेनाइड्स के केस में। और अगर इससे बोला जाए जैसे सॉल्ट को, तो ये किस तरीके की संरचना होती है इसकी, पीटी सीएल 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 और साथ में इसे ऐड कर दें, पाई बॉन्ड से अटैच होगा ये CH2 CH2। ओके, तो ये पाई बॉन्ड से हो रहा है। अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कितना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो यहाँ से कितने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन पाई के हो गए, दो सिग्मा के, तो चार इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और यहाँ कितने हो रहे हैं, चार पाई बॉन्ड है तो आठ इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए और एट इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से हो गए। और अगर इसमें से पूछा जाए तो दो चार चार एक अपना प्लस यहाँ माइनस चार जाएगा उसका हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ हो गए पाँच इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट ये करता होगा। सीपी हमेशा जितने आपके पास की समझ लो कि जितने आपके पास कार्बन है उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। रिंग के केस में होगा, अगर रिंग आपके पास किसी सर्कल से यानी पाई बॉन्ड से जुड़ी हुई है, पाई सर्कल से जुड़ी हुई है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कितना होगा, जितने एटम है किसी रिंग में प्रेजेंट, कितने मेंबर
की रिंग है उसी के अकॉर्डिंग अपन बताते हैं। तो 8 मेंबर रिंग में 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे और 5 मेंबर रिंग में प्लस टू, सॉरी यहाँ आपके प्लस टू आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि एक ही पाइप हम ब्रेक करवा रहे हैं अपन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से अपन इनमें दिखा देंगे कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अब देखो आपके यूरेनियम किससे जुड़ा हुआ हो सकता है, यहाँ इसका मतलब होगा कि ये 8 के 8 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यूरेनियम 8 कार्बन से अटैच है। ओके, इसका मतलब ये होता है यहाँ मतलब 5 कार्बन से जुड़ा, और यही हो सकता है कि आपके पाइप में इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है ना। अगर इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो हो सकता है दोनों में से, है ना। तो इन्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट साइकिल बना के भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हो गई अपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसे कहते हैं, अब एक डेफिनेशन है अपने पूछी जाए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसे कहते हैं, मतलब क्या हो गया कार्बन और मेटल का बॉन्ड, उसे अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में पूछा जाए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने पर क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन चेंजेस होने चाहिए, यानी कि ऑक्सीडेशन में चेंजेस होने चाहिए किसकी, आपके मेटल की, ओनली मेटल की ऑक्सीडेशन में चेंजेस देखेंगे, और किसी की हो रही है या नहीं हो रही है वो अपने को नहीं देखना, केवल मेटल की देखनी। जैसे आपने Fe जब कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स बहुत आए थे, उनमें से अपने पास ही क्या आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कैसे, क्योंकि आपके Fe किससे अटैच है, कार्बोनिल से अटैच है, और कार्बोनिल में क्या कार्बन है, तो अपन इस तरीके से बता सकते हैं कि ये क्या हो गए आपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गए। मोस्टली केसेस के अंदर आपके मेटल और कार्बन से अटैच होंगे, उन्हें अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह देंगे। अगर आप किसी रिएक्शंस में देख रहे हो तो अगर देखना हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखना, साथ में मेटल और कार्बन का बॉन्ड भी देखना है, तो दोनों ये देख के उन्हें वो डिसाइड करना है कि आपके पास ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। अब आपके बात आती है कि कंपाउंड किससे होते हैं, आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कुछ ज़्यादा ही आपके ये बनाते हैं, एंथेनाइट्स भी बनाते हैं, मेन ब्लॉक भी बनाते हैं। ओके, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मोस्टली कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाते हैं। अब आपके चैप्टर है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स, ये अपन ने ऑर्गेनो मेटलिक्स की बात करी, अब ऑर्गेनो सल्फर पढ़ रहे हैं, है ना। अब जैसे इसे बोल सकते हैं ऑर्गेनो फेरस, है ना, क्योंकि फेरिक्स एड है तो फेरस हो गया, ऑर्गेनो सल्फर यानी ऑर्गेनो मैग्नीशियम हो गया, है ना, तो इस तरह ऑर्गेनो जिंक हो गया। तो इस तरीके से अपन इनको जिस जो मेटल है उसी से अपन नाम दे सकते हैं। ऑर्गेनो सल्फर का मतलब कि यह सल्फर एलिमेंट होगा। ओके, तो सल्फर एलिमेंट से अगर कोई कार्बन अटैच है तो उसे ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स कहा जाता है। ऑर्गेनो सल्फर है, ऑर्गेनो सल्फर का मतलब भी कोई कार्बन होगा, कार्बन के साथ सल्फर बॉन्ड बना रहा है तो इसे कहते हैं अपन ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। अब देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं आपके ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनो सल्फर में अपन देखेंगे होता क्या है, किस तरीके से इन्हें फॉर्म किया जा सकता है, किस तरीके से इनकी ओवरलैपिंग होती है। अब आपके पास जैसे कि कोई एल्कोहल है, मान लो आपके पास एल्कोहल है, एल्कोहल में अपन ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन करवा दे सल्फर से, है ना। प्रतिस्थापन क्या मतलब होता है कि एक जगह ऑक्सीजन का सल्फर, यानी कि ऑक्सीजन को हटाना और सल्फर को लगाना, यही प्रतिस्थापन होता है ना। जैसे कि अपने पास कोई रिएक्शन है सी एक्स और वाई है, मुझे इसमें प्रतिस्थापन रिएक्शन करवानी है, तो क्या होगा आपके पास, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, इसे ही बोलते हैं प्रतिस्थापन रिएक्शन। ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये प्रतिस्थापन रिएक्शन है। या अपन कह सकते हैं कि यहाँ मुझे इस प्रतिस्थापन रिएक्शन करवाना है जेड की प्रेजेंस में, है ना, तो यानी कि जे अगर वाई को अपन हटा सकते हैं और जेड को यहाँ अटैच करते हैं, ये हो गया अपना प्रतिस्थापन रिएक्शन। अगर दो कंपाउंड है आपके पास,
ए बी सी डी, अपने को रिएक्शन करवानी है, ए का सी से अटैच करवा दें और डी को बी से करवा दें, ये हो गया आपके प्रतिस्थापन रिएक्शन है ना। तो अपने को क्या करवाना है, इसमें ऑक्सीजन आर ओ छ एल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन करवानी है, सल्फर का प्रतिस्थापन करवाना है, तो क्या हो जाएगा अपने पास आर एस एच, ये हो गए आपके ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड की कौन से हैं। अगर पूछा जाए कि ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड कौन सा है, अगर इनका जनरल स्ट्रक्चर पूछी जाए, जनरल फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आर एस एच होता है। ओके, तो सल्फर अपना क्या, वो कौन सा कंपाउंड है, ऑक्सीजन की फैमिली से ही है ना, इसमें ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो कंडीशन क्या है आपके, जब आप पढ़ते हैं अपन ने ये देखा कि आपके पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फॉस्फोरस ए की फैमिली के हैं। नाइट्रोजन क्या करता है, आपके केवल 3 बॉन्ड बना पाता है और एक लोन पेयर की उपस्थिति में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके बायतम कोष में, बायतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन केवल 3 बॉन्ड बना पाता है या मैक्सिमम 4 बना ले है ना, मैक्सिमम 4 बना सकता है, मोस्टली 3 बनाता है तीनों के अंदर। और जबकि आपके पास फॉस्फोरस क्या करता है, 5 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। ऐसा क्यों होता है, आकार बढ़ने के कारण क्या होता है, इनमें ओवरलैपिंग अच्छे से होती है, सॉरी आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ते बढ़ते क्या होगा इनके अंदर, जो इसके अंदर अगर मैं नाइट्रोजन के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट लगा दूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये 5 हाइड्रोजन अपने स्पेस में नहीं रख सकता, क्योंकि इसका आकार छोटा है, आकार छोटा है तो इतने 5 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच नहीं हो सकते, जबकि फास्फोरस का आकार बड़ा है तो इसके पास हो सकते हैं अटैच है ना, तो इसकी वजह से आकार साइज का देखा जाता है कि साइज बड़ी है छोटी है। इसी तरीके से ऑक्सीजन और आपके पास सल्फर है, ऑक्सीजन केवल 2 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम होते हैं 3 बॉन्ड, जबकि मिनिमम आपके 2 बॉन्ड बना पाता है, जबकि सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है आपके, अगर इसमें ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन पाए तो वो उसमें 8, तो 8 ये बॉन्ड बना लेता है। ओके, इस तरीके से 8 बना पाता है सल्फर भी। लेकिन अपने पास अगर ऑर्गेनोमेटेलिक्स की कंपाउंड्स के अंदर अगर कंपाउंड होते हैं तो अपन नॉर्मल फॉर्मूला देखा जाए तो इनका क्या होता है, आर एस एच, ओके, आर ओ एच को ऑक्सीजन का सल्फर का प्रतिस्थापन, ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन करवाना है, ऑक्सीजन को हटाना है और सल्फर को ऐड करना है इसकी जगह अपने को, तो ये हो गया आर एस एच। अब अपने को देखना आर का मतलब हो सकता है वो कार्बोनिक चेन होगी, ये किसी तरीके से हो सकती है सी एच टू एस एच, ये हो सकता है, ये आपका सी एच थ्री सी एच एस एच सी, ये हो सकता है सी एच थ्री, किसी भी प्रकार का हो सकता है। इनमें देखना है कि कार्बन और सल्फर के बीच में किस तरीके का अतिव्यापन है, किस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पॉसिबल है ना, वो देखेंगे अपन। अगर मैं नॉर्मल पूछा जाऊँ, पूछती हूँ आपसे, ये हो गया सी एस थ्री, ये हो गया एच एच और ये हो गया एस एच, इनमें पूछती हूँ मैं आपसे कि इन कार्बन और एस के बीच में किस तरीके की ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे कि हाइड्रोजन है एच टू गैस है, इनमें ओवरलैपिंग पूछी जाए तो ये हो गया एस एस है ना, कि एस एस का अतिव्यापन हो रहा है, किन किन कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है, एस एस का या एस पी का हो सकता है पी है ना, इस तरीके से अतिव्यापन देखते हैं अपन, पी पी का देखते हैं, डी डी का भी देख सकते हैं ना, इस तरीके से अतिव्यापन अपन देखते हैं, तो इनमें पूछा जाए कि इनमें किस प्रकार की ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप क्या जवाब दोगे, एस पी की बताओगे या पी पी की, सिग्मा बॉन्ड देख के नहीं बतानी है आपको, देख के बताना है कि इसका कॉन्फिगरेशन कितना है इसमें, अगर सॉरी इसका हाइब्रिडेशन देखना है तो संकरण कितना कार्बन का, यहाँ एस पी थ्री और यहाँ कितना होगा, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं मोस्टली है ना, सल्फर में 6, ओके 8 नहीं है, ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसमें गलती हो गई थी अपने, एस ऑक्सीजन और सल्फर में, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं आउटर सेल के अंदर, टोटल थे 8, ऑक्सीजन 8 6 बॉन्ड बना सकता है, ओके इस तरीके से 2, 2, 4, 5, 6 और एक सिंगल बजेगा अपना है ना, तो इस तरीके से यह सिंगल भी बना सकता है, मोस्टली ऑक्सीजन के साथ ही अटैच रहता है, तो इनमें अपन ओवरलैपिंग देखें तो किस तरीके से होगी, इसमें एसपी थ्री सॉरी संकरण आपके एसपी थ्री होगा, जब संकरण देखते हैं तो क्या देखते हैं, लोन पेयर भी देखते हैं, लोन पेयर का देखेंगे तो इनमें एसपी थ्री संकरण, अब इसकी स्ट्रक्चर ऐसी ना रहकर किस तरीके से होगी, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से आपके कार्बन की तो होगी टेट्राहेड्रल है ना,
इसमें क्या होगा आपके पास, और जब आपको पता है बॉन्ड पे लोन पे, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, रिपल्सन का ऑर्डर देखा जाए तो लोन पेयर, लोन पेयर, फिर आता है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और फिर होता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, है ना। इस तरीके से अपन रिपल्सन देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा आपके, ये एच इस तरीके से हो जाएगा, बैंड स्ट्रक्चर हो जाएगी अपने, है ना, और ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगी। जैसे H2O की बैंड स्ट्रक्चर क्यों है, कारण क्या है आपके, लोन पेयर रोड पे रिपल्सन के कारण क्या होता है, H2O की स्ट्रक्चर लीनियर ना रहकर कैसी होती है, बेंट हो जाती है। तो इसमें भी हुआ, तो sp3 इसमें हो गया, sp3 इसमें हो गया। अगर इनका संकरण के आधार पर देखा जाए तो इनकी ज्यामिति कैसी होगी, ज्यामिति और संरचना के अंदर डिफरेंट, शेप में डिफरेंट हो के, ज्यामिति के अंदर जब भी अपन ज्यामिति की बात करते हैं कि इसकी ज्यामिति कैसी होगी, तो अपन देखते हैं उसके अंदर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट किया जाता है, फिर बताया जाता है कि इसके अंदर ज्यामिति किस तरीके की होती है। लेकिन शेप पूछा जाए तो अपन क्या बताते हैं कि इसके अंदर केवल बॉन्ड पेयर को ही कंसिडर किया जाता है कि इसकी ज्यामिति इस तरीके की होगी, ओके, सॉरी संरचना इस तरीके की होगी। तो ये इसकी टेट्राहेड्रल इसकी है, टेट्राहेड्रल इसकी है। अब देखा जाए इनके अंदर कौन ओवरलैपिंग किस तरीके की हो, sp3 प्रकार की ओवरलैपिंग पाई जाती है कार्बन और सल्फर के बीच, है ना। तो sp3 ओवरलैपिंग होती है, अतिक्रमण होता है, ओके। ये होती है इनकी ओवरलैपिंग कार्बन और सल्फर के बीच में, ओके। बस अपने को क्या देखना है, इनका अतिक्रमण देखना था, वो इम्पोर्टेंट था। शेप और ज्यामिति में आपको एक बार वापस से बता देती हूँ क्या होती है। जब अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अपन देखते हैं कि किसी की ज्यामिति देखते हैं, जैसे अपने पास किस आधार पर देखते हैं अपन ज्यामिति। मान लो आपके पास कोई हाइब्रिडेशन है, sp2 हो गया, तो अपन बोलते हैं इसकी त्रिकोणीय ज्यामिति होती है, है ना, यही बोलते हैं, या समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय बोलते हैं। अब अपन अगर अपने पास कोई मॉलिक्यूल भी दे दिया जाए कि उसके अंदर मान लो NH3 है, NH3 के अंदर ज्यामिति बतानी है आपको और संरचना बतानी है, दोनों बतानी है, ज्यामिति और संरचना, सेम ज्योमेट्री और शेप दोनों बताने हैं। तो किस तरीके से अपन इन्हें बताते हैं, देखो ज्यामिति हो गई आपके नाइट्रोजन, ये लोन पेयर होता है, ये तीनों हाइड्रोजन होंगे। ज्यामिति के अंदर काउंट किया जाता है सिग्मा प्लस बॉन्ड पेयर, जितने भी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, अगर लोन पेयर है उन्हें भी काउंट करेंगे, अगर बॉन्ड पेयर है उन्हें भी काउंट करेंगे, ओके। तो अगर ज्यामिति की बात आए तो इसकी ज्यामिति किस तरीके की हो गई, ज्यामिति कितने हो गए, चार हो गए, एक दो तीन तो ये हो गए, एक लोन पेयर हो गया, चार हो गए, चार हो गए। तो sp3 संकरण तो ऊपर बता दें कि चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल, है ना। और अगर शेप की बात की जाती है कि इसकी शेप किस तरीके की होती है, तो अपन क्या बताते हैं, पिरामिड, ओके, शेप हो गई पिरामिड। पिरामिड क्यों, क्योंकि ये केवल हाइड्रोजन को ही काउंट कर रहे हैं अपन, ये पिरामिड की तरह है, तो अपन इन्हें पिरामिड कहते हैं, पिरामिड, है ना। अब आपके जैसे H2O का है, अगर इसमें से पूछा जाए, दोनों पूछती हूँ कि ज्योमेट्री और आपके शेप किस तरीके की होगी, तो अपन शेप तो किस तरीके की, ज्योमेट्री कैसी होगी इसमें, टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल, क्यों, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, तो चार हो गए, चार हो गए तो अपन चतुष्फल की बोलते हैं, और अगर छः हो जाए तो किसे किसे बोलते हैं, अष्टफल की बोलते हैं, और अगर शेप की बात आ जाए तो अपन बोलते हैं बैंड शेप, बैंड शेप, ओके। इस तरीके से डिफाइन किया जाता है ज्यामिति और शेप के अंदर। तो अपन ने ऑर्गेनोसल्फर में क्या किया, केवल कार्बन और सल्फर के बीच में क्या देखा, हाइब्रिडेशन देखा। हाइब्रिडेशन देखने के बाद में उनमें अतिव्यापन देखा कि sp3 अतिव्यापन पाया जाता है, ओके। तो ये हो गया अपना सल्फर का, इसे थायोसल्फर भी कहते हैं अपन, था है ना, थायोल भी कहते हैं, जिसे अपने पास एल्कोल हो गया, इसे थायोल कहा जाता है, एल्कोल OH आए, है ना, जब थायो लगाते हैं और जब सल्फर आता है तब, है ना, और मर्कप्टेन भी यूज़ करते हैं, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, किस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर होता है, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बस, ओके।